अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाएंगे मीठी टिकिया। तो उसके लिए एक कप हमने शक्कर ली है, एक कप ही दूध डाल लिया है, हाफ कप हमने यहाँ पर बकरे की चर्बी रखी थी वो हमने पिघला के डाल दी है, इसे थोड़ा सा मैश कर दिया था, दूध थोड़ा गुनगुना ही डाला था हमने, और एक कप यहाँ पर हमने मैदा डाल दिया है, हाफ कप सूजी ऐड कर दी है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और फिर यहाँ पर तिल भी डाल दिए हमने, और थोड़ा सा चुटकी भर नमक भी ऐड कर दिया था, ये देखिए चुटकी भर नमक भी ऐड कर दिया था, और यहाँ पर तिल डाल दिए हैं, और ऑयल डालकर इसे अच्छे से गूंद लिया था, ये देखिए चिकना हो चुका है। अब इसके बाद कढ़ाई रख देंगे हम, और यहाँ पर हमने लोई बनाकर इसे ऑयल डालकर इसे बेल लेंगे, मोटी और पतली आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो आप ज़्यादा मोटी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे ये जल्दी होंगी नहीं, अंदर की कच्ची रह जाएंगी, तो मीडियम साइज़ की आप रखिएगा। और यहाँ पर आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये बकरे की चर्बी रखी हुई थी तो उसमें ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं और खस्ता बिस्सी भी हो जाती हैं, तो हमने यहाँ पर ये बकरे की चर्बी रखी थी उसका ही यूज़ किया है। यहाँ पर आप लोगों के पास अगर हो तो आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा, आप लोगों का इसका टेस्ट अलग लगेगा, और इसमें सोंधापन बहुत ज़्यादा होता है ऐसी टिकिया में, तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर ना हो तो नॉर्मल आप घी है, डालडा है, ऑयल है, उसमें भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं, और आटे में डालकर भी गूंद सकते हैं। और ये देखिए हम इसमें फ्राई कर लेंगे, आँच को बिल्कुल मीडियम पर आपको रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं इसे फ्राई करना है, जिसमें ये जल जाएंगी और अंदर से कच्ची भी रह जाएंगी। तो ये देखिए ये हो चुकी थी, इसलिए हमने यहाँ पर इसे निकाल लिया है, और फिर उसके बाद और बेल के हमने इसमें डाल दिया है, ये देखिए गोल्डन फ्राई हो चुकी है सारी। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर वीडियो। थैंक यू।